अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इट्स मी वहाब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आप सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रही हूँ 9th क्लास की कंप्यूटर के फुल बुक के लॉन्ग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटिंग है और बहुत ज़्यादा अहम। अब आप सारे स्टूडेंट्स के पास टाइम बहुत कम है और आप इस कम टाइम में पूरी पूरी बुक को नहीं पढ़ सकते और ना ही उनके चैप्टर्स को पढ़ के उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन याद कर सकते हैं। तो आपने करना क्या कि जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं और इन्हें अच्छे से तैयार कर लेने। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटिंग है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, हाउ डू यू डिटरमाइन रिक्वायरमेंट फॉर आ फ्लो चार्ट। तो यहाँ पर आपने फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताना है, और मैं आपको बता दूँ कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स है, तो आपने 8 मार्क्स के हिसाब से ही इसको लिखना है, आपने बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं लिखना। अगर आप बिल्कुल ही शॉर्ट लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं देगा। तो आपने क्वेश्चन को देखकर उसके मार्क्स को देखकर उस हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पर बतानी है हमने फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आप बताएंगे डिटर्मिनेटिंग रिक्वायरमेंट फॉर अ फ्लो चार्ट। कंप्यूटर को इनपुट हम देते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग करते हैं और डिसीजन लेते हैं और फिर वो आउटपुट देते हैं। तो इनपुट के बाद आपने प्रोसेसिंग का बता देना है कि प्रोसेसिंग फ्लो चार्ट में कैसे होती है, और आपने डायग्राम बता देनी है। ये देखिए, इनपुट आप देते हैं, प्रोसेस होता है और कंप्यूटर फिर आउटपुट देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है और फिर कंप्यूटर आउटपुट दे देता है। तो ये सारा है आपका एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। आपने भी बिल्कुल इसी हिसाब से इसको अटेम्प्ट करना है और इसी हिसाब से इसको तैयार करना है। आपने बिल्कुल भी अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आया हुआ है। मैं आप सबसे पास पेपर के क्वेश्चन इसलिए शेयर करूँ क्योंकि आप सबके पास टाइम बहुत कम है और आप देखना कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए होंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन का आपको बताती हूँ, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में आपने बताना है, और इसके बाद आपने बताना है डिस्क्राइब बस स्टार रिंग एंड मैश टोपोलॉजी विद द डायग्राम ऑफ ईच। वो ये कहने कि आप नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बताएं और जो आगे इसकी टाइप्स हैं बस स्टार रिंग और मैश टोपोलॉजी, वो आपने डायग्राम के साथ बतानी। तो सबसे पहले यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजीज है। अब नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में आपने लिख देना है, फिर उसके बाद आपने बस टोपोलॉजी के बारे में लिखना है, और फिर आपने डायग्राम बना देनी है, और फिर स्टार टोपोलॉजी का लिखना है। आपने सिर्फ यहाँ पर इनकी डेफिनेशन ही नहीं लिखनी, यहाँ पर एक्सप्लेन भी करना है और डायग्राम भी लाजमी बनानी है। बस टोपोलॉजी को एक्सप्लेन करने के बाद डायग्राम बना दी और फिर स्टार टोपोलॉजी को एक्सप्लेन कर दी और इसकी डायग्राम भी बना दी। अब यहाँ पर आ जाती है रिंग टोपोलॉजी। तो पहले आपने यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी को एक्सप्लेन करना है और फिर इसकी डायग्राम बना देनी है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना और फिर इसकी डायग्राम बना देनी। अब लास्ट पर यहाँ पे मैश टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी को आपने एक्सप्लेन करना है और फिर इसकी डायग्राम बना देनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे है डिस्क्राइब डोज अटैक। तो यहाँ पर आप सब स्टूडेंट्स ने डोज अटैक के बारे में बताना है। यहाँ पे आप डेफिनेशन भी लिख लें, फिर इसकी एग्जांपल दे दें, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेपर स्टार्ट हो गया, तो नेक्स्ट पेपर में आप देखेंगे सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर स्टोरेज डिवाइस डिफरेंट बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। यहाँ पर आपने स्टोरेज डिवाइस को एक्सप्लेन कर देना और यहाँ पर आपने कुछ एग्जांपल दे देनी है। एग्जांपल है रैम है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, यूएसबी और फ्लैश ड्राइव एटसेट्रा। और फिर आपने इनका डिफरेंस बता देना है स्टोरेज का और मेमोरी का। क्वेश्चन है राइट इंपॉर्टेंस ऑफ एनक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंस बता देनी है एनक्रिप्शन की एवरीडे की। प्रोटेक्शन बता देनी है फ्रॉम हैकर्स, यानी कि हैकर्स से हम किस तरह बच सकते हैं, हमें क्या सिक्योरिटी लगानी चाहिए, क्या प्राइवेसी लगानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट प्राइवेसी, ये देखिए यहाँ पर पहले हैकर्स के बारे में बताया, फिर प्राइवेसी के बारे में बता दिया है, और लास्ट में वो बता रहे हैं प्रोटेक्ट डाटा अक्रॉस डिवाइसेस। इन सब के बारे में आपने एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल इन एचटीएमएल। इस क्वेश्चन में आपने टेबल क्रिएट करना है इन एचटीएमएल। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रिएटिंग टेबल्स लिख देंगे आप। क्रिएटिंग टेबल आपने बता देना है, फिर आपने ये टेबल बना देना है, और उसके बाद आपने अप्लाई दी फॉलोइंग टेबल एट्रीब्यूट्स। फिर आपने बता देना है यहाँ पर कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स अप्लाई होती है। यहाँ पर ओनली टू मेन एट्रीब्यूट्स अप्लाई होती हैं, तो उनका मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले आपने क्लोज पैन के बारे में बताना है, इसको डिफाइन कर देना है और इसकी एग्जाम्पल्स लिख देने और सारा टेबल बना देना। फिर आपने रो पैन को एक्सप्लेन करना है, तो आपने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपने डेफिनेशन लिखनी है और इसकी एग्जाम्पल्स दे देनी है और साथ आपने टेबल बना देना। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं। इस पेपर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब फ्लो चार्ट सिंबल थ्रू टेबल। यहाँ पर आपने फ्लो चार्ट के सिंबल्स को एक्सप्लेन करना है इसके टेबल के साथ। यहाँ पर आपने टेबल बना लेना और टेबल में आपने फ्लो चार्ट के सारे सिंबल्स लिख देने हैं, उनको ड्रा कर लेना है, फिर उनके नेम्स बता देने हैं, साथ ही आपने नेम्स के बाद इनकी डिस्क्रिप्शन भी बता देनी है। कन्वर्ट 1101011 पावर 2 टू हेक्साडेसिमल। आपने यहाँ पर बाइनरी में है, तो इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं वो ज्यादा लॉन्ग नहीं होते और ना ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग पार्ट में ओनली 3 क्वेश्चन आते हैं और आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, और बहुत ज्यादा इजी होते हैं और रिपीटिंग क्वेश्चन ही बार बार आ रहे होते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कंप्यूटर के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इनमें पार्ट नहीं होते, ओनली 3 क्वेश्चन होते हैं, आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन ज्यादा लॉन्ग नहीं है। सबसे पहले आपने इसमें सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर देना है और फिर इसके 3 से 4 सॉल्यूशन आपने लिख देने। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कस इन डिटेल द नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कंप्यूटर नेटवर्क को किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है, नीड होती है, नीड ऑफ अ कंप्यूटर की ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपने कुछ इसकी टाइप्स लिख देनी है। सबसे पहले आपने नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क लिख देनी और फिर इसकी एग्जांपल। सबसे पहले फाइल शेयरिंग की आपने डेफिनेशन लिखनी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। फाइल शेयरिंग को एक्सप्लेन करने के बाद आपने इसकी एग्जांपल भी लिखनी है। और फिर यहाँ पे हार्डवेयर शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग, शेयरिंग का सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, यूजर कम्युनिकेशन और फिर इसकी एग्जांपल। और लास्ट पे इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, इसको एक्सप्लेन कर देना। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटिंग क्वेश्चन है, तो आपने इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। और अब आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप सारी बुक को तैयार नहीं कर सकते, तो आप इन क्वेश्चन को तैयार करेंगे। इंशाल्लाह यही वाले क्वेश्चन आपको आ जाएंगे एग्जाम्स में। और ये जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताया आप इनको पास पेपर में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, मैंने आपके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिल्कुल भी शेयर नहीं किया। और ये सारे टोटल क्वेश्चन होंगे 10 to 15, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी बुक नहीं पढ़े, तो आप इन 10 to 15 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे और इन क्वेश्चन से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर कर दे। जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कंप्यूटर फुल बुक के शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।